हैदराबाद के मेहदीपट्टनम के सेंट एंस कॉलेज फॉर वुमेन्स में परंपरा 2017-2018 प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इसके तहत फूड कल्चर फेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रोग्राम का आयोजन कॉलेज के ही सेंट जोसेफ ऑडिटोरियम में किया गया है। आपको बता दें कि फूड कल्चर फेस्ट में कई तरह के प्रोग्राम आयोजन किए जा रहे हैं, जैसे कि खानों का प्री सर्व्ड रेसिपी और मॉडर्न रेसिपी। आपको बता दें कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर ईट ट्रिप एंड क्लिक के फाउंडर सगुन सेगन और टैंगी सॉबर्ट की फाउंडर शिवानी मोहन मौजूद हैं। Hi, I'm Shivani Mohan. I'm a blogger. My blog is called Tangy Story, a lovely blog about food and lifestyle. Today I'm here at the Parampara Fest organized by Sanskriti Club of St. Anne's College for Women. And we have organized a brilliant food festival where participants have created dishes from preserved recipes of their families, traditional recipes, as well as innovative recipes with an Indian twist to it. And I have absolutely loved the dishes. I'm really, really impressed with the amount of research these kids have put into their work and worked on the presentation. I really wish them great future ahead. आपको बता दें कि फूड कल्चर फेस्ट प्रोग्राम को लेकर कॉलेज के छात्रों और शिक्षकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आटे का सिरा बनाते हैं, लाइक हलवा बनाते हैं, तो लाइक महाराष्ट्र में आटे का हलवा से ज़्यादा बाजरा ज्वारी उस पर कॉन्सेंट्रेशन कर रहे हो। तो आज मैं यहाँ पे बाजरे का हलवा बनाया, जैसे पहले घी में बाजरे का आटा डाल के अच्छे से उसको भून लिया, उसके बाद वो घी जैसा ही वो घी छोड़ने लगता है उसमें दूध डाला, लाइट टूटा हुआ दूध डाल के उसको अच्छे से हिला दिया, जब तक वो फुल घी छोड़ता है उसमें से लाइक काजू बादाम पीसे हुए डाले हुए हैं और उसमें स्पेशली तरबूज नहीं सुखा के उसके अंदर डाले हुए हैं, तो उसको अच्छे से भूनने जैसे कि वो ग्रीन होता है उसके स्लो फ्लेम पे करना है, ज़्यादा नहीं रखना है। और आइए देखते हैं सेंट एंस कॉलेज फॉर वुमेन्स के छात्राओं और शिक्षिकाओं ने क्या कुछ कहा है। जी सुजय फ्रॉम सेंट एंस कॉलेज। सो टुडे द डिश आई मेड इज डबल का मीठा। सो द मेकिंग टेक्स अराउंड हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स। फर्स्ट वी नीड टू टेक द मीट ब्रेड, द डबल रोटी दैट वी यूजुअली गेट इन एनी बेकरी, एंड वी नीड टू ड्राई इट अप फॉर एटलीस्ट 1 डे और ओवर दैट। Then we need to deep fry it and put it in sugar syrup. If you want to add it to the texture, you can even add elaichi powder on top of it. Then we soak the bread in the sugar syrup, and we add a little bit of milk on top of it. Then we allow it to boil for some time, and as we take dry fruits such as kaju, badam and pista, and we fry it in ghee. And then we add on top of it, and we can even add kesar and other spices. Sanskriti Club के अंतर्गत हम प्रत्येक वर्ष परंपरा नाम के समारोह का आयोजन करते हैं, और इस समारोह में हम प्रत्येक वर्ष अलग अलग थीम को लेते हैं और उस थीम पर आधारित प्रतियोगिताओं का भी आयोजन करते हैं। इस वर्ष हमने खान पान संबंधी थीम लिया और उसमें हमारे छात्राओं की जो उत्साह है वो आज देखने लायक है। आप सब देख भी रहे हैं कि किस तरह वो उत्साहित होकर उन्होंने अलग अलग राज्यों की संस्कृति को, अलग अलग राज्यों के खान पान को, अलग अलग कम्युनिटी के खान पान को उन्होंने आज प्रेजेंट किया है। और प्रत्येक वर्ष हम किसी एक थीम पर नहीं आयोजन करते हैं, प्रत्येक वर्ष अलग अलग थीम पर इसका आयोजन किया जाता है। In our college, we have various clubs and various types of activities go on. So this particular thing takes care of creating awareness on culture and heritage of our country. And this club is called Sanskriti Club, and they take up many activities every year. And this year, they want to create information or create awareness on food culture. So Ms. Archana, who is the in charge for all this Sanskriti Club, she has organized such a wonderful program, and many innovative ideas we have seen, and I am very happy about it. Thank you. हैदराबाद से संवाददाता सैयद हामिद की रिपोर्ट।